दोस्तों नमस्कार, मैं हास्य कवि अतुल ज्वाला फिर एक बार आपके साथ में हूँ। आइए बात करते हैं कुछ हास्य व्यंग्य की। आज के कार्यक्रम मुद्दा हॉट है, मैं इन दिनों जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर कुछ हास्य व्यंग्य की बात करते हैं। बाबा रामदेव ले आई एक दवाई कोरोना की, कोरोनील, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। आप आनंद लीजिएगा। हमारे कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि आयुर्वेद पर तो भरोसा है पर बाबा पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा भैया अपने को दवाई लेना है, बाबा की पप्पी नहीं लेना है। तो ये क्या हास्य व्यंग्य की बात है। अच्छा आप देखो, बाबा दवाई ले आए, मेरा ये मतलब है उन मित्रों से कि दवाई खा के देख लो, फायदा हुआ तो ठीक, वरना आयुर्वेद नुकसान तो करेगी नहीं। यूं भी फेयर एंड लवली से कौन सा ब्रायन लारा लारा दत्ता हो गया। या आप देखिए कॉम्प्लेंट पी के और मैं कौन सा लंबा हो गया, अपना भी चेचिस वैसा ही है। तो इसलिए ये हास्य व्यंग्य की बात है। अच्छा बाबा जी भी बड़े कलाकार हैं। आप देखिए बाबा जी यू टर्न लेने में एक मिनट की देर नहीं करते हैं। पहले तो बाबा जी ने कहा कि ये कोरोना की दवाई है, जब ऊपर से प्रेशर आया आयुष मंत्रालय का तो पलट गए कि ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है। अच्छा मुझे तो एक बात समझ में आई बाबा जी का ये रवैया देख के कि बाबा जी अपने साथ झोले में हर वक्त एक जोड़ी सफेद सलवार सूट रखते ही हैं। जब जरूरत पड़े पेन पे और निकल लो, तो ये स्थिति है। अच्छा बात देखो आप, इधर वो चीन बड़े अलंगे डाल रहा है, इधर कोरोना काल लगा हुआ था, इधर चीन ने अपना पैर फंसा दिया, अब वो सोच रहा है कि अपनी जमीन पर कब्जा कर लेगा। भैया 3 महीने लॉकडाउन था हिंदुस्तान में, चीनी चक्को एक बात ध्यान से सुनना, 3 महीने लॉकडाउन में जब हमसे बीड़ी नहीं छूटी, उन हिंदुस्तानियों से तो उम्मीद करते हो कि जमीन छोड़ देंगे। हम तो इतने स्वाभिमानी लोग है कि किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई छेड़े तो उसको छोड़ते नहीं है। अब भाई चीनी चपटो चोटो, तुम्हारी जितनी आंखें खुलती है उतनी तो हमारे यहाँ बच्चे प्रार्थना के वक्त स्कूल में खोल के रखते हैं। तो इसलिए हमसे ज्यादा पंगेबाजी मत करो। और चीनियों को तो अपन गाली भी नहीं दे सकते, बद्दुआ नहीं दे सकते, क्या स्थिति आ गई। हम तो उनको ये नहीं कह सकते कि चीनियों तुम्हारे मुँह में कीड़े पड़ेंगे, ऐसा कह दो तो पता चला कि उनका तो रात का डिनर हो गया। इसलिए अपन तो क्या हास्य व्यंग्य का आनंद लो। मैं तो आपको कहा ना, मैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। टिकटॉक बैन हुआ, गुनसाट बैन हुए, एक चीन को समझ ही नहीं पड़ रहा है शी जिनपिंग को कि लड़ाई मैथ की थी कि एक की। हम मैथ की लड़ाई तक भी पहुंचेंगे पर एक से शुरू हुए, गुनसाट हुए, कुछ ने कहा 56 होना थे। मैंने कहा भैया करना तो एक बैन 56 ही थे पर गलती से वो 6 उल्टा हो गया और 9 हो गया। तो गुनसाट ऐप हमने बैन किए, टिकटॉक बैन हो गया। अब उसमें जो लड़के लड़कियां नाच कूद के और आनंद ले रहे थे वो बड़े रोना पीटना मचा रहे हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि ये टिकटॉक बैन इसलिए किया है कि टिकटॉक पे जिन लड़कों ने अपना जेंडर चेंज करके खूब लड़कियां बन के नाचे, उनको मोदी सरकार ने ये बैन करके कि उनकी घर वापसी का इंतजाम हो जाए, वापस लड़के बन जाए। अरे तुम्हारे माँ बाप ने मन्नत मांगी थी कि लड़के बनो, लड़के पैदा हो, और तुम यहाँ पे टिकटॉक पर लड़की बनकर बैठे हो, तो ये तो अच्छा ही काम किया सरकार ने। और आप आनंद लेना अगली बात का, टिकटॉक विकटॉक तो ठीक है अपनी जगह है, और जो टिकटॉक बैन हुआ तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो लड़के लड़कियों, बहुत जल्दी बाबा रामदेव टिकटॉक की जगह ठीक ठाक लॉन्च करने वाले हैं। ये बाबा का मामला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा रामदेव की क्या बात करें, बाबा रामदेव से तो मेरा एक निवेदन भी है कि बाबा जी आप कोरोनील लाए तो उसी तरह से पेट्रोनील और डीजोनील भी लेके आओ, क्योंकि आजकल पेट्रोल के भी भाव ऊपर चल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव तो ऐसे आसमान छू रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है, और हम लोग लगे हुए हैं कोरोना से लड़ने में। मेरे डीजल के भाव पेट्रोल से ज्यादा हो गए तो डीजल अकड़ के बोला कि पेट्रोल पंप का नाम डीजल पंप करो। पेट्रोल डीजल की क्या बात करें, मुझे तो हंसी तब आती है जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने पर वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने 3 महीने लॉकडाउन में 10 की विमल 50 में खरीदी,
₹80 का क्वार्टर ₹500 में खरीदा और पेट्रोल के भाव बढ़े तो हाय सोमा मचा रहे। अरे सब अच्छा होगा, हम देश के साथ हैं, देश हमारे साथ है, आप आनंद लीजिए हाथ से व्यंग्य का मुद्दा। हाँ दीदी, ये है फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे थे, मुझे भी रोज सुबह सुबह मैसेज आता है, घर में रहो सेफ रहो, घर में रहो सेफ रहो, बार बार सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, घर में रहो सेफ रहो। मुझे ऐसी फीलिंग आने लगती है सुबह सुबह उठकर कि जैसे पूरी दुनिया तो घर में है और मैं अकेला बाहर निकल कर कोरोना फैला रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लगने लगता है कि सब मेरी वजह से हो रहा है और कोरोना में बार बार हाथ धो। पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भैया कि पैसा हाथ का मेल है, अब 3 महीने में हमने इतने हाथ धोए कि हाथ साफ हो गए। तो अपन तो क्या है, अपन हाथ से लेंगे के लोग हैं, अपन ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। टिड्डियां आ गई, ये भी एक मुद्दा था, मुद्दा बड़ा हॉट है इन दिनों, बहुत सारे टिड्डियां आ गई, फसलें खा रही है। बहुत गंभीर बात कहता हूँ, टिड्डियां उतनी फसल इस देश में नहीं खा सकती जितना नेताओं ने इस देश को खाया है। इस देश की जहाँ तक बात करें, मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, एक बात का और आनंद लेना भैया, सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप अपना व्यवहार सुधार के रखिए, तो समय बड़ा खराब चल रहा है आजकल, किसी की मृत्यु हो जाए तो 20 लोगों सम्मिलित हो सकते हैं, शादी हो तो 50 सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप व्यवहार अच्छा रखेंगे तो ही कहीं से निमंत्रण आएगा, और आजकल को शादी ब्याह का निमंत्रण मिलना मतलब ये समझ लीजिए कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का टिकट मिलने के बराबर है। तो आप आनंद लेते रहिए हास्य व्यंग्य का हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को मुद्दा हॉट में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, आप साथ रहेंगे तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।